अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या है, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आप एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही इशारा है मेरा, आप समझ गए हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमान की। आपको अपना अभिमान, स्वाभिमान बना कर रखना है। मैं ऐसे ही बहुत सारी स्टोरी सुनता हूँ जहाँ पे लोग अपना स्वाभिमान खो देते हैं, लेकिन ट्रस्ट में जो अपना स्वाभिमान खो देता है वो जीते जी मर जाता है। मैं एक स्टोरी के साथ इस बात को समझाना चाहूँगा, जो एक स्टोरी है एक ज़रूरतमंद की, एक भिखारी की, जो आपने ट्रैफिक सिग्नल के आसपास खड़े हुए देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे। वो क्या करते हैं, एक कटोरा होता है उनके पास, छोटी मोटी उसमें चीज़ें रखी होती हैं, जैसे पेन हो गया, रिफिल हो गया, पेंसिल हो गई, उसको वो बेच रहे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे लाइक दिस। और एक कार वाले आते हैं, रुकते हैं ट्रैफिक लाइट पे, एंड देन वो अपना कटोरा आगे करते हैं और बोलते हैं इनमें से कुछ परचेज कर लीजिए, कुछ बाय कर लीजिए, ये भिखारी भी कुछ बेच रहा है। एक गाड़ी वाला आता है, एक स्टोरी छोटी सी समझा रहा हूँ। एक गाड़ी वाला आता है और भिखारी को देखता है और भिखारी को कहता है कि क्या हुआ, वो कहता है कुछ दे दो और कुछ ले लो। वो गाड़ी वाला अपने फुल एटीट्यूड में उसने एक 2 रुपये का सिक्का निकाला और उसके कटोरे में डाल दिया भिखारी के। भिखारी ने 2 रुपये का सिक्का ले लिया और वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगा और ये गाड़ी बढ़ाते हुए कुछ सोचने लगा। भिखारी ने आवाज़ मारी, साहब एक मिनट रुक जाओ, आपने हमारे कटोरे में से कुछ लिया ही नहीं, ना पेन लिया, ना पेंसिल ली, ना रिफिल ली। ड्राइवर कहता है जो चला रहा था कार, अरे इट्स ओके कोई बात नहीं। नहीं नहीं साहब, कुछ तो ले लीजिए, आप अगर कुछ भी ले लेंगे ना तो मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने भीख मांगी है, मुझे लगेगा ये मेरा स्वाभिमान है जिसको मैंने बना कर रखा है, मैंने जस्ट आपको कुछ बेचा है। ये सुनते ही उस कार चलाने वाले के होश हक्का बक्का हो गए, उसके होश फाख्ता हो गए। उसको लगा कि जेन्युइनली ये बहुत ही अच्छा इंसान है जो अपने स्वाभिमान को बना के रखना चाहता है। ये ज़रूरतमंद ज़रूर है लेकिन भिखारी नहीं है, कुछ बेच रहा है। यहाँ पर ये कार चलाने वाले पर्सन ने कहा कि एक काम करो, आपके पास ये जितने भी पेन है, पेंसिल है, रिफिल है, ये सब मुझे दे दो। जनरली उसकी कीमत थी वो 50 रुपये से ऊपर की नहीं थी, लेकिन वो सब लेने के बाद उस कार चलाने वाले ने 500-500 के 2 नोट इस ज़रूरतमंद को, इस भिखारी को दे दिए, 1000 रुपये इसको दे दिए। भिखारी को जैसे 1000 रुपये मिले उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई, रोने लगा, रौंद गया उसका गला और बोलने लगा कि धन्यवाद। यहाँ पे सामने से कार चलाने वाला क्या कहता है कि 1000 रुपये कम तो नहीं है भैया? ये बात सुनते ही उसके कान खड़े हो गए भिखारी के। वो बोला, साहब धन्यवाद, आज के बाद मुझे कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मेरा स्वाभिमान और भी ऊंचा हो गया है, आपने मेरी रिस्पेक्ट बना ली है, मेरी इज्जत बना ली है, इन पैसों से मैं एक नया बिजनेस शुरू कर दूंगा, अखबार बेचने का, सुबह शाम अखबार बेचूंगा और मेरे को बिल्कुल भी इस ट्रैफिक लाइट पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा इस तरीके से, और अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी ट्रैक पर आ जाएगी। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती है। आपको जीवन में अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना है। एक भिखारी के अंदर भी स्वाभिमान था, होता है। ट्रैफिक लाइट पर आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, बुक्स बेच रहे हैं, सॉक्स बेच रहे हैं, कोई रुमाल बेच रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ बेच रहे हैं। वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो ये नहीं अपने आप को दिखाना चाहते या आपको दिखाना चाहते कि वो भीख मांग रहे हैं। वो ज़रूरतमंद ज़रूर हैं लेकिन वो आपको कुछ बेच रहे हैं, और आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप वो ले लेंगे तो आपकी टोटल वेल्थ में से करोड़ों रुपए का घाटा नहीं हो जाएगा, आपके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं घटेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में 4 चांद ऐड हो जाएंगे, कुछ वैल्यू आप ऐड कर पाएंगे और उनका स्वाभिमान भी बना रहेगा। तो स्वाभिमान के ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जैसी भी सिचुएशन हो, अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना। आज मैं देख रहा हूँ कोई किसी से शादी करने के लिए स्वाभिमान खो रहा है, कोई रिश्ते बनाए रखने के लिए स्वाभिमान खो रहा है, कोई अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए स्वाभिमान खो रहा है। ट्रस्ट में जब भी आप स्वाभिमान खोएंगे आप अंदर से जीते जी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देर सवेर आपकी मृत्यु निश्चित है। आप बोलेंगे सही, अगर आप जी गए तो आप बिल्कुल जिएंगे, फिजिकली आप बिल्कुल जिएंगे, लेकिन अंदर से आप मर चुके होंगे, रातों की आपकी नींद खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपने अपना स्वाभिमान बना लिया किसी भी चीज़ के लिए, कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, आपने अपना स्वाभिमान नहीं खोया तो ट्रस्ट मी आपकी आंतरिक जीत होगी, आप अंदर से जीत जाएंगे और एक लंबा सफल और रिस्पेक्टफुल जीवन जिएंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, इससे बड़ी पावर कोई नहीं होती। कैरी एटीट्यूड एंड डोंट लूज सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट एवर लूज द सेल्फ रिस्पेक्ट। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ग्रो 25x।